गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, श्री समृद्धि क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। कौन कर रहा है इस समय? और कोई नहीं, आपकी प्यारी किरण मैम। ओके, चलो आज हम लोग जो है जो हमारा 15 फरवरी को फुल मॉक हुआ था, उस फुल मॉक के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। फुल मॉक जो है, जैसा कि आपको पता है, 10 से 1 का टाइमिंग था, 3 घंटे का पूरा पेपर था। उस पेपर से रिलेटेड जो क्वेश्चंस थे हमारे, 25 क्वेश्चन इतिहास के, ऑलरेडी यूट्यूब पे ये देख लीजिए, ये वीडियो है, 25 क्वेश्चन इतिहास के वो यहाँ पे डाल दिए गए हैं, 25 क्वेश्चन भूगोल के वो भी यहाँ पे डाल दिए गए हैं, आपके 100 क्वेश्चन जो लाइब्रेरी और कंप्यूटर के मिला करके थे, उन दोनों उन 100 क्वेश्चंस के 2 वीडियो जो है वो यहाँ पे डाले गए हैं। तो जिन स्टूडेंट्स को ये भी प्रॉब्लम आ रही थी कि कुछ क्वेश्चंस में कोई ऑप्शन में या किसी भी तरीके से पेपर के अंदर कोई भी प्रॉब्लम थी, आप इन 4 सॉल्यूशंस के वीडियो को जरूर देखिए, क्योंकि अगर पेपर में कहीं कोई डाउट है तो उसके ये एक्सप्लेनेशंस के वीडियो हैं। अगर आपको कहीं से डाउट भी लगता है कि मुझे ये क्वेश्चन सही लगता है और ऑप्शन में ये चीज नहीं दिया गया है, जब आप एक्सप्लेनेशन देखेंगे तो एग्जैक्टली आपको समझ में आएगा कि वो क्वेश्चन कहाँ से लिया गया है और उसके सॉल्यूशंस के ऑप्शन क्यों करेक्ट हैं, आपको क्यों रॉन्ग लग रहे हैं बट क्यों करेक्ट हैं, या हमें क्यों रॉन्ग लग रहे हैं आपको क्यों करेक्ट लग रहा है। तो आप ये 4 वीडियोस के सॉल्यूशंस जरूर 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 देखिए, नहीं तो फिर आपके डाउट हमेशा आपके पास ही रह जाएंगे, उनको हम लोग उसका निस्तारण नहीं कर पाएंगे। अच्छा, अभी हम लोग जो बैठे हुए हैं, अभी जो मैं आपको बताना चाह रही थी, बेसिकली हम लोग इस चैनल पे अभी इसलिए आए हैं क्योंकि हमें जो हमारा ये टेस्ट हुआ था, यानी कि ऑल इंडिया मॉक टेस्ट 15 फेब सैटरडे को जो हुआ था, हम उसके रिजल्ट्स की बात कर रहे हैं। तो रिजल्ट में अभी मेरे पास जो है ऑफलाइन रिजल्ट आ चुका है, ऑफलाइन रिजल्ट को जो है वो हम पहले डिस्कस करेंगे। ऑफलाइन रिजल्ट का क्या रहा था, किस तरीके से क्या बच्चों ने स्कोर किया है, हम फाइनल ऑफलाइन टेस्ट के रिजल्ट पे जो है वो डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। मैं अगर बोलूं कि कितने बच्चे हमारे पास एनरोल थे, तो 84 स्टूडेंट्स जो है वो ऑफलाइन टेस्ट के लिए एनरोल थे, लेकिन टेस्ट देने के लिए, यानी कि टेस्ट देने में भी शायद 80 के करीब बच्चों ने दिया, लेकिन ओएमआर शीट जो है वो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने सबमिट नहीं किया है। तो जिन्होंने सबमिट नहीं किया है उनकी हम बात नहीं करेंगे, जिनके ओएमआर शीट हमारे पास रिसीव हुई है और जिनके ओएमआर शीट को हम लोगों ने इवेल्युएट किया है, हम उनकी ओएमआर शीट का पूरा एनालिसिस यहाँ पे करेंगे, पूरी की पूरे जो है उनके ओएमआर शीट पे जो है क्या उनके वेटेज हैं, क्या वैल्यूज हैं, क्या मार्क्स आ रहे हैं, इन सब की हम लोग डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे। हमने जो यहाँ पे कॉलम्स बनाए हैं रिजल्ट्स में, आप देख लीजिए, एक तो सीरियल नंबर है, ये नेम का कॉलम है, ये हमारे पास सबसे पहला जो हमारा जो भाग आता है, इसमें कितने क्वेश्चन स्टूडेंट ने अटेम्प्ट किए, उसके बाद कितना करेक्ट किया, जो करेक्ट किया था उसके क्या मार्क्स बन रहे थे, कितना रॉन्ग किया, जो रॉन्ग किया उसके क्या मार्क्स बने, और टोटल ये जो आपके करेक्ट वाला मार्क्स था उसमें से रॉन्ग वाले मार्क्स को हटा करके आपका फाइनल स्कोर क्या बना, उसका डिटेल हम लोग यहाँ पे देंगे। अब मेरे पास जो ये रिजल्ट है ये आपका डिसेंडिंग ऑर्डर में है, यानी कि बढ़ते से घटते क्रम में है, लेकिन टेस्ट पेपर की हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं, टेस्ट रिजल्ट की एनालिसिस कर रहे हैं, तो हम जो एनालिसिस करेंगे वो डिसेंडिंग असेंडिंग ऑर्डर में करेंगे, यानी कि बढ़ते हुए क्रम में हम लोग करेंगे। तो 53 नंबर पे हम बात करते हैं, 53 नंबर पे मीनाक्षी जी हैं। मीनाक्षी ने टोटल 89 क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट किया, ठीक है, 89 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके उन्होंने 30 जो है वो करेक्ट किया है, 59 उन्होंने रॉन्ग किया है। हे भगवान, क्या होगा? 30 क्वेश्चन सही कर रहे हैं और 59 क्वेश्चन गलत कर रहे हैं, और इनका टोटल स्कोर आ रहा है 21। ये हमारे बॉटम के जो है वो फर्स्ट रैंकर हैं मीनाक्षी जी। मीनाक्षी जी, आपको तैयारी करने की बहुत आवश्यकता है, शांत मन से आप अपने प्रिपरेशन कंटिन्यू कीजिए। पुरुषोत्तम मीणा, 111 क्वेश्चन इन्होंने अटेम्प्ट किया और इसमें से 36 क्वेश्चन इनके करेक्ट हुए हैं, 75 क्वेश्चन इन्होंने रॉन्ग अटेम्प्ट लिए हैं, यानी कि एक जो 72 का इनका बढ़िया स्कोर बन रहा था, इस 72 में से सीधा सीधा 50 नंबर इन्होंने प्यार से घटवा लिया, और घटवाने के बाद जो है ये 25 अंक जो है अपनी झोली में लेकर के ये गए।
प्रधान गुजर हैं, 100 क्वेश्चन इन्होंने किया, 36 इनके सही हुए, 36 क्वेश्चन के 72 नंबर इनको मिले, लेकिन 64 क्वेश्चन इन्होंने रॉन्ग कर दिए, जिसके 42.6 यानी कि 43 नंबर इनके डिडक्ट कर दिए गए और टोटल 29 नंबर इनके पास अभी इस समय है। महेंद्र कुमार हैं, 69 क्वेश्चंस इन्होंने अटेम्प्ट किए, 29 करेक्ट किए, 40 गलत किए, तो 58 मार्क्स इनके बन रहे थे, लेकिन 27 मार्क्स जो है इन्होंने गलतियों से जो है वो इकट्ठे किए, तो अब ये 58 में से 27 हम लेस करेंगे तो 31 मार्क्स हमारे पास आएंगे। विजय कुमार, 44 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किया, 24 करेक्ट किया, 20 रॉन्ग किया, 35 मार्क्स इनके पास आ रहे हैं। राजेंद्र मीणा, 101 क्वेश्चन किया इन्होंने, 39 क्वेश्चन सही किया, 62 क्वेश्चन गलत किया। 39 सही और 62 गलत, मतलब जितना सही नहीं किया उसका डेढ़ा तो गलत कर दिया, तो 37 मार्क्स इनके पास आ रहे हैं। मुकेश कुमावत की बात करते हैं, 125 क्वेश्चन इन्होंने टोटल अटेम्प्ट किया था, 46 सही किए और 79 जो है इन्होंने गलत किए, 79 क्वेश्चंस इन्होंने रॉन्ग अटेम्प्ट किए, 39 मार्क्स इनको मिले हैं। अंकुर शर्मा की बात करते हैं, 89 क्वेश्चंस टोटल किया इन्होंने, 37 करेक्ट किए, 52 रॉन्ग किए इन्होंने, 39 मार्क्स इनके आते हैं। सत्तू सोलंकी की बात करते हैं, 38 क्वेश्चंस इन्होंने टोटल किए, जिसमें 26 सही क्वेश्चंस करे हैं, 12 क्वेश्चन इन्होंने गलत करे हैं, 44 मार्क्स पे हैं। दीपिका पिलानिया, 77 क्वेश्चंस टोटल अटेम्प्ट किया इन्होंने, 36 सही किया, 41 गलत किया, 45 मार्क्स पे हैं। मनीष कुमार, 140 क्वेश्चंस इन्होंने अटेम्प्ट किया है, 53 करेक्ट किया, 87 रॉन्ग किया, 48 मार्क्स पे हैं ये। आशाराम गुजर हैं, 74 क्वेश्चंस इन्होंने टोटल अटेम्प्ट किया है, 39 सही किया है, 35 गलत किया है, 55 मार्क्स पे हैं। अमित कुमार सिरोहिया, 92 क्वेश्चंस इन्होंने टोटल अटेम्प्ट किया है, 45 सही कर रहे हैं, 47 गलत कर रहे हैं, यानी कि जितना सही नहीं किया उससे क्वेश्चन बढ़ा करके ही गलत अटेम्प्ट किया इन्होंने, 59 मार्क्स पे हैं। अंकिता कुमारी, 110 क्वेश्चन इन्होंने टोटल अटेम्प्ट किए हैं, 50 सही किए, 60 गलत किया है, ये भगवान, मतलब ऐसा क्या कंपटीशन देना है, ये क्या गलत करने वाला कंपटीशन हो रहा है क्या, 50 क्वेश्चन सही किया, 60 क्वेश्चन गलत किया, टोटल इनके स्कोर बन रहे हैं 60। दिनेश कुमार, 103 क्वेश्चन टोटल अटेम्प्ट किया इन्होंने, जिसमें से 55 सही किया, 48 गलत किया, टोटल स्कोर 78। फोरेंटी मीना, 109 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, 58 सही किया, 51 गलत किया, 82 नंबर पे हैं। कमलेश यादव, 115 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, 60 सही किया, 55 गलत किया, टोटल 83 नंबर पे हैं। गौरव यदुवंशी, 60 सही किया, टोटल 114 अटेम्प्ट किया, 60 सही किया, 54 गलत किया और 84 नंबर पे हैं। आरती चौधरी, 87 क्वेश्चन टोटल अटेम्प्ट किए, जिसमें से 54 सही किए, 33 गलत किए और 86 नंबर पे हैं। 130 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने वाले महेंद्र सिंह जी, 65 सही कर रहे हैं और 65 ही गलत कर रहे हैं, देखो कितना तगड़ा कंपटीशन खुद से खुद को दे रहे हैं, 65 ही सही कर रहे हैं और 65 अगेन फिर गलत कर रहे हैं, यानी कि जो 130 नंबर ये पूरा ले सकते थे, उस 130 नंबर में से इन्होंने ये 43 मार्क्स जो है अपने लेस कराए हैं। क्यों कराए हैं, क्योंकि तैयारी तो पूरी थी भाई साहब, पूरी तैयारी से एग्जाम देने के लिए आए थे, पेपर तो हो गया एक ही घंटे में, लेकिन हमने बिठा दिया 3 घंटा, तो जब 3 घंटा बिठाएंगे तो कुछ ना कुछ तो तुक्के लगेंगे, लेकिन महेंद्र जी की किस्मत खराब, वो जो तुक्के लगे 65 क्वेश्चन के तुक्के भी लगाए, वो तुक्के गलत ही लग गए और उनको मिला है 87 मार्क्स। मनीष बड़बड़वाल, 120 क्वेश्चन टोटल अटेम्प्ट किए, जिसमें से 63 सही किए, 57 गलत किए, टोटल 88 नंबर पे हैं ये। कृष्ण कुमार यादव, टोटल इन्होंने अटेम्प्ट किए हैं 120, 64 सही कर किया इन्होंने, 56 गलत किया, 91 नंबर पे हैं। पूनम चौधरी, 107 इन्होंने टोटल अटेम्प्ट लिए हैं,
61 सही किए हैं, 46 गलत किए हैं और 92 नंबर लेकर के गए हुए हैं ये। पवन सिंह 97 जो है टोटल अटेम्प्ट्स हैं इनके, 61 करेक्ट हो रहे हैं, 36 रॉन्ग हो रहे हैं, 98 मार्क्स पे हैं। मांगेराम 97 क्वेश्चंस इन्होंने भी अटेम्प्ट किया, 61 करेक्ट, 36 रॉन्ग, 98 मार्क्स। रामकेश गुजर 97 अटेम्प्ट किया, 61 करेक्ट, 36 रॉन्ग, 98 मार्क्स पे हैं। अब अगर मैं बात करूं रामकेश की, रामकेश से लेकर के ये जितने नीचे तक के स्टूडेंट्स हैं यानी कि मीनाक्षी तक के स्टूडेंट्स हैं, टोटल अगर मैं बात करूं 29 से लेकर के 53 नंबर तक के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, ये स्टूडेंट्स जो है मेरे नज़र में फेल हैं। क्यों? क्योंकि ये बिलो 33% मार्क्स हैं, ठीक है, इनके 33% मार्क्स से नीचे हैं ये लोग, इस परीक्षा में पूरी तरीके से फेल हैं। चलिए आगे हम आते हैं। ईश्वर प्रताप 126 इन्होंने करेक्ट किया है और 126 करेक्ट किया है, 126 अटेम्प्ट लिया है इन्होंने, 69 करेक्ट किया, 57 रॉन्ग किया, 100 मार्क्स पे हैं। मंजू धाकड़ 121 क्वेश्चन किया है इन्होंने, 69 करेक्ट किया है, 52 रॉन्ग किया है, 103 मार्क्स लेकर के गए ये। अर्पित कुमार गोयल 108 इन्होंने अटेम्प्ट किया है, 66 सही किया, 42 गलत किया, 104 नंबर पे हैं ये। सुनील कुमार विश्नोई 147 इन्होंने अटेम्प्ट किया, बहुत जिगर है इस बच्चे में, 147 जो है इसने क्या किया, अटेम्प्ट किया, 76 सही किया, 71 गलत किया और फिर भी 105 नंबर आए, चलिए ठीक है। गौतम पटेल 126 जो है इन्होंने अटेम्प्ट किया, 72 सही किया, 54 गलत किया, 108 नंबर इनके भी आए। अर्चना चौधरी 126 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, 72 सही किया, 54 गलत किया, टोटल 108 नंबर इनके आए हुए हैं। माया शर्मा 105 इन्होंने अटेम्प्ट किया, 68 यानी कि 68 जो है इनके सही हुए, 37 गलत हुए, 111 नंबर पे हैं ये। कैलाश मेघवाल 121 क्वेश्चन इन्होंने टोटल अटेम्प्ट किए, 74 सही किए, 47 गलत किए और टोटल इनका जो स्कोर है वो 117 है। दीपक पाटीदार 133 क्वेश्चन किया इन्होंने, 78 सही किया, 55 गलत किया, टोटल 119 नंबर है इनके। दीपेंद्र सिंह 93 अटेम्प्ट किया, 68 सही कर रहे हैं, 25 गलत कर रहे हैं और टोटल स्कोर इनके 119 है। देखिए मैं अभी आप लोगों को ये एनालिसिस कराती हूँ दीपक और दीपेंद्र की ओएमआर शीट। आप लोग देखिए नंबर ऑफ क्वेश्चंस, दीपेंद्र ने नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत कम अटेम्प्ट किया। अगर मैं बात करूँ दीपक से, दीपक ने 133 किया जबकि दीपेंद्र ने केवल 93 ही किया, लेकिन इन दोनों के इस आप क्वेश्चन के एवरेज को देखिए, इन्होंने 78 सही किया, इन्होंने 68 सही किया, रॉन्ग अटेम्प्ट इन्होंने 55 किए, इन्होंने केवल 25 किए, ठीक है। तो 30 क्वेश्चन का ये जो रॉन्ग अटेम्प्ट है ये इन्होंने बहुत बढ़ा दिया, इस कारण से जो है दोनों का मिला करके इन्होंने जो है वो 30 क्वेश्चन कम अटेम्प्ट करते हुए भी वही मार्क्स लिया जो इन्होंने 30 क्वेश्चन ज्यादा अटेम्प्ट करते हुए लिया। तो जितना ज्यादा से ज्यादा आप अटेम्प्ट करते हो क्वेश्चन को, ज्यादा से ज्यादा अटेम्प्ट करना ऑफलाइन एग्जाम में या किसी भी एग्जाम में, ये इंपॉर्टेंट नहीं होता है कि आप मैक्सिमम क्वेश्चंस को अटेम्प्ट में लें, ये इंपॉर्टेंट होता है कि अगर माइनस मार्किंग है, नेगेटिव मार्किंग है या नकारात्मक आपके मार्क्स जो है उस परिणाम के अंदर जुड़े जाएंगे, तो आपको कोशिश करना चाहिए कि जितना आपने जो है 50% तक, 60% तक अगर आप पूरे तरीके से सेटिस्फाई हैं कि मेरे सभी प्रश्न 60% तक करेक्ट हैं, उसके ऊपर आप मात्र 2 से 3 क्वेश्चंस का ही रिस्क ले सकते हैं तुक्का के लिए, ठीक है। तुक्का मारने के लिए केवल 2 से 3 क्वेश्चंस का ही आप ऑप्शंस ले सकते हैं, बट यहाँ तो बिंदास तुक्के लगाए जा रहे हैं, 71, 54, 57, 47, 55, ऐसा लग रहा है कि ये वाले स्कोर के लिए जो है आपको गिफ्ट देना चाहिए, है ना,
एकदम एक से एक, एक से एक भीड़ में लग करके जो है लोगों ने जो है ये तुक्केबाजी एकदम शानदार की है, एक दूसरे को कंपटीशन देने के लिए। चलो आगे बात करते हैं। नकुल चौबीसा, ये भी बहुत जिगर वाला बच्चा है। देखने में छोटा सा, दुबला पतला सा, क्यूट सा बालक। 149 पूरे के पूरे अटेम्प्ट किए, जिसमें से 82 सही करके 67 गलत कर रहा है। अगर 149, सॉरी सॉरी, 149 जो इसने अटेम्प्ट किया और इसने अगर 182 क्वेश्चन करेक्ट कर दिए तो 164 नंबर इज वेरी गुड, 50% के ऊपर आपका बढ़िया स्कोर बन सकता था। लेकिन ये जो आपने 45 नंबर अपने यहाँ पे गंवाए हैं ना, इसने आपके रैंकिंग को डाउन कर दिया, 119 नंबर पे आपको ला दिया। रविंद्र सिंह रतनू, 148 क्वेश्चन, अगेन इन्होंने भी बहुत दिलेरी का काम किया है, खूब सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके 83 जो है वो सही कर रहे हैं, 65 गलत कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाली दिलेरी ना चाहिए बाबू, है ना। रविंद्र रत्नो बेटू, ये नहीं चाहिए, ये वाली दिलेरी बिल्कुल भी नहीं चाहिए। सोच समझ के अपने को पेपर करना है। आप बहुत सिंसियर स्टूडेंट हैं, मेरे को आपसे बहुत एक्सपेक्टेशन है। तो आगे के पेपर जब भी करें, कृपया ये मिस्टेक आप ना करें बेटू, ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, 123 नंबर पे आप हैं। ज्योति व्यास, 108 क्वेश्चन जो है इन्होंने अटेम्प्ट किया, 73 सही किए, 35 गलत कर दिए इन्होंने, 123 नंबर पे हैं। संदीप सैनी, 140 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, 82 सही कर रहे हैं, 58 गलत कर रहे हैं, 125 नंबर पे। अगेन हरमन राम, 140 इन्होंने भी अटेम्प्ट किया है, 84 सही कर रहे हैं, 56 गलत कर रहे हैं, 131 नंबर पे। राजपाल कौर, 106 क्वेश्चन इन्होंने अटेम्प्ट किया, 76 सही किए और 30 गलत किया, टोटल इनका स्कोर बना 132। संदीप कुमार गर्ग की मैं बात करूं, 118 क्वेश्चन इन्होंने टोटल अटेम्प्ट किया, 79 यानी कि 79 जो है ये सही कर रहे हैं, 39 यानी कि 39 जो है ये गलत कर रहे हैं, और 132 मार्क्स पे हैं ये। अच्छा स्कोर है, अच्छा और हो सकता था। मुकेश कुमार दारा, 127 इन्होंने अटेम्प्ट किया है, 83 सही किया, 44 गलत किया, 137 नंबर पे हैं। राजेश गुजर, 121 इन्होंने टोटल अटेम्प्ट किया, 83 सही, 38 गलत, 141 मार्क्स पे हैं। सीता ओला, 134 अटेम्प्ट किया, 87 सही, 47 गलत, 143 मार्क्स पे हैं ये। मोहन चौधरी, 122 अटेम्प्ट लिया, 86 सही, 36 गलत, 148 मार्क्स पे हैं। अनिल कुमार मीणा, 117 इन्होंने अटेम्प्ट लिया, 85 सही, 32 गलत, 149 मार्क्स पे हैं। आगे हम बात करते हैं पुखराज सिंह राजपुरोहित, 125 क्वेश्चन इन्होंने अटेम्प्ट किया, 88 सही किया, 37 गलत किया, 151 नंबर। यानी कि अगर मैं देखूं, ये देखो हाईलाइट मैंने क्यों कर रखा है इन पांच बच्चों को, इन पांच बच्चों को मैंने इसलिए हाईलाइट कर रखा है क्योंकि ये ही आपके 53 में से मात्र ये पांच ही स्टूडेंट हैं जो लाइब्रेरियन थर्ड ग्रेड के एग्जाम में मेरी तरफ से जाकर जाना डिजर्व करते हैं। क्यों? क्योंकि 50% के ऊपर मार्क्स इनके आ रहे हैं। पेपर आपका जो बनाया गया था स्पेशली थर्ड ग्रेड लाइब्रेरियन के अकॉर्डिंग बनाया गया था, पेपर का पैटर्न बहुत ज़्यादा टफ नहीं था, बहुत इजी भी नहीं था, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग था, आपके बिल्कुल एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग था। और अभी मैं आपसे ये बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी, ये अभी 29 दिसंबर को आपका एग्जाम लगा। हर बच्चा जिसने भी, ये जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने भी यहाँ पे पेपर दिया है, सभी स्टूडेंट ने 19 तारीख का पेपर जरूर दिया था, सॉरी 29 तारीख वाला पेपर जरूर दिया था। इसका मतलब है कि 29 को जब पेपर आपने दिया है तो आपकी तैयारी पूरी थी। पूरी तैयारी के बाद भी अगर आप किसी जगह का या किसी पेपर पे 50% क्वेश्चंस नहीं सॉल्व कर पा रहे हो, इसका मतलब आपकी तैयारी तैयारी नहीं थी, आपकी तैयारी में स्टेबिलिटी नहीं है, आपकी तैयारी में किसी भी तरीके का ठहराव नहीं है। आपने रट रट के रट रट के रट रट के एग्जाम को रट्टू बना रखा है। तो अगर एग्जाम को रट्टू बना रखा है तो आगे मैं आपको बता देती हूँ कि ऐसे काम नहीं चलेगा। अगर आप इसमें
अपना सिलेक्शन खोज रहे हैं, तो वो सिलेक्शन बताओ कैसे होगा, जबकि हर आने वाला बच्चा, ये सब 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 पर्सनली एवरी वन, ईच एंड एवरी बालक एंड बालिका, हर कोई ये बोल रहा था कि मैडम हमारी तैयारी तो पूरी है, हमारी तैयारी में कोई कमी नहीं है, फर्स्ट यूनिट तो आप कहीं से भी आंख बंद करके पूछ लो। कुछ एक महानुभाव तो ऐसे भी थे कि सेकेंड यूनिट खड़ा करा करके मेरे से पढ़वा लो। आप इतना ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस ले करके मेरे पास आ रहे हो और क्या साबित कर रहे हो आप? ये पेपर की हालत देखो, आपने क्या किया है। ऑनलाइन वालों को तो मैं ले ही नहीं रही इसमें, क्योंकि ऑनलाइन वाले मेरी नजरों से काफी दूर हैं। वो क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, अपने से कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, चिटिंग कर रहे हैं, अपन उनको नहीं देख सकते हैं। लेकिन आप जो ये 53 लोगों का ये जो मेरे पास रिजल्ट आया है बेटा, आप लोग बिल्कुल निगरानी में थे, एक बेंच पे केवल 2 लोग बैठे थे, कॉपी करने की आप सोच भी नहीं सकते थे, बैग्स वगैरह हमने बाहर रखाए थे, मतलब हमने पूरा प्रोसेस फॉलो करने का कोशिश किया था। जिस तरीके से अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड आपका एग्जाम लेती है, उस पैटर्न पे आपका एग्जाम का जो 3 घंटे का जो मॉक था, वो मॉक बिल्कुल उसी तरीके का था। अब उस पैटर्न पे आप देखो आप क्या रिजल्ट लेकर के आए हुए हो। चलिए मैं आगे बात करती हूँ। पुखराज राजपुरोहित 125 अटेम्प्ट किए, 88 सही 37 गलत 151 नंबर पे। प्रदीप कुमार जहांगीर 123 अटेम्प्ट इन्होंने लिया, 88 सही किया और 35 गलत किया, 153 नंबर पे हैं। राहुल पारिक 119 क्वेश्चन इन्होंने अटेम्प्ट किया, 88 सही किया, 31 गलत किया, 155। देखो मात्र 4 क्वेश्चन से कितना फर्क पड़ गया, देख लीजिए। 88 इनके सही हो रहे हैं, 88 इनके भी सही हो रहे हैं, लेकिन अब ये देखो 123 अटेम्प्ट करते हुए भी 35 रॉन्ग कर दिए, 153 पे हैं। यहाँ पे 119 ही अटेम्प्ट किया था, लेकिन मात्र 4 क्वेश्चन जो है वो रॉन्ग अटेम्प्ट में लिया और 155 नंबर, इनसे भी ज्यादा नंबर आ गए इनके। तो आप देखिए रॉन्ग अटेम्प्ट के क्या नुकसान होते हैं, केवल और केवल आपको उनके नुकसान ही सीखने हैं, फायदे की तो बात आपके जहन में डालनी ही नहीं है। तो रॉन्ग अटेम्प्ट से आप जितना बच के रहेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि ये ऑफलाइन टेस्ट है, आपका नेगेटिव मार्किंग है इसमें, तो आप इनसे बच के रहिए। विजेंद्र सिंह 141 आपने अटेम्प्ट किया, 97 आपके करेक्ट हुए, 44 रॉन्ग हुए। विजेंद्र जी आपको पता है मुझे आपसे बहुत अपेक्षाएं हैं, मैं टॉप 3 में आपको देखने की कोशिश करती हूँ। इस एग्जाम में आप 3 में आए हैं, आपने इस मान मर्यादा का ध्यान रखा, मुझे बहुत खुशी है। लेकिन मैं फाइनल एग्जाम जो 3rd ग्रेड का होने वाला है उसमें मैं आपको टॉप 3 देखना चाहती हूँ। और अगर आपको याद हो तो 29 तारीख के पेपर वाले पेपर से पहले भी मैंने जो आपको मैसेज किया था, मैंने आपको यही मैसेज किया था कि आप कैसे भी करके पेपर बहुत अच्छा करना, मैं आपको टॉप 3 में देखना चाहती हूँ। तो मैं अभी भी आपको टॉप 3 में देखना चाहती हूँ। मैंने आपकी तैयारी को देखा है, मैंने आपके ठहराव को देखा है, आपके स्टेबिलिटी को देखा है, और आपके इस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए मैंने आपके एफर्ट को भी देखा है। आप डिजर्व करते हैं और आप आगे भी डिजर्व करते रहिए, लेकिन आपको थोड़ा सा इस पे काम करने की जरूरत है, ठीक है? ये जो 44 क्वेश्चन आपने रॉन्ग अटेम्प्ट लिए हैं, आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस में अपने ये काम इस चीज में सुधार लाने की आवश्यकता है। आप इस चीज को जरूर सुधारिए। 164 नंबर के साथ आप जो है इस एग्जाम के सेकंड टॉपर हैं। विश्राम सैनी 140 इन्होंने अटेम्प्ट किया, 100 सही किया, 40 गलत किए और 173 मार्क्स पे हैं ये। तो अगर मैं देखूं आपके एग्जाम की, अगर मैं बात करूं इस पूरे पेपर की एनालिसिस की भी अगर मैं बात करूं, तो कोई भी स्टूडेंट 200 मार्क्स तक नहीं जा पाया है इसमें। ऑनलाइन का पेपर, ऑनलाइन जो है ऑनलाइन वाला जो है मेरे पास अभी खुल नहीं रहा था, एप्लीकेशन पे कुछ काम चल रहा है, तो ऑनलाइन का रिजल्ट अभी इस समय हाथों हाथ मैं उसका जो अनाउंसमेंट नहीं कर पाऊंगी, उसका देखूंगी बाद में, या तो अनाउंस कर देंगे, नहीं तो जितने भी ऑनलाइन बच्चों ने अपने पेपर दिए हैं आप लोगों के रिजल्ट हाथों हाथ आ गए थे, क्योंकि रिजल्ट मैंने ओपन रख रखा था, सोल्यूशन केवल म्यूट किया था, क्योंकि यूट्यूब पे आप लोगों का वो सोल्यूशन डालना था, इस वजह से म्यूट किया था। तो आ गया होगा, अगर नहीं आया होगा तो ऑनलाइन स्टूडेंट्स को मैं एप्लीकेशन पे ही रिजल्ट डाल दूंगी। उनके भी जो टॉपर है ऑनलाइन के अंदर भी जो टॉपर है, वो भी टॉपर 200 नंबर से कम ही है सभी,
तो मुझे बहुत खुशी है ये जो ऑफलाइन का रिजल्ट है, मैं बहुत खुश हो रही हूँ ये देख करके कि जो हमारे बॉटम स्कोरर्स हैं एटलीस्ट वो 20 नंबर के ऊपर तो हैं। ऑनलाइन के अंदर तो कई माइनस में भी हैं, कई जीरो पे भी हैं, बट इन्होंने जो अपना खाता खोला है, मीनाक्षी जो है हमारी पहले खाता ओपनिंग की जो है वो कैंडिडेट है, इन्होंने खाता खोला है एंड खाता भी खोला है बड़े शगुन वाले नंबर के साथ, 21 नंबर के साथ। तो वेल ट्राइड, मैं यही कहूंगी कि अच्छा प्रयास रहा आप लोगों का। लेकिन आप इस चीज को थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ये देखिए आप इस क्रम को थोड़ा सा ध्यान दीजिए। इस क्रम में आप देखिए 40 नंबर, 40 क्वेश्चन, 44 क्वेश्चन, 31, 35, 37, 32, 36, 47, 44, 25, 54, 54, मतलब 65, 74 भी था किसी बच्चे का, 79, मतलब 59, ये जो अटेम्प्ट है ना, अगर इनकी संख्या 1, 2, 3, 3 तक अगर केवल रही होती तो आज इधर वाला जो हमारा स्कोर है ये स्कोर हमारा 200 के पार नजर आता, ये हमारा 200 के पार हो चुका होता, ठीक है। लेकिन इस नंबर ऑफ ये वाले जो क्वेश्चंस है ना, इसने इस रिजल्ट को बिगाड़ दिया। हाई स्कोर की बात करूं मैं तो हाई स्कोर हमारे ये जो टॉपर्स हैं, इन टॉपर्स ने जो क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस जो है वो 100 से ज्यादा जो है वो सही नहीं किए, ठीक है। 100 क्वेश्चंस तक ही ये लोग रह गए, 100 क्वेश्चन भी अच्छा स्कोर था, मतलब 100 से अगर आप 200 स्कोर ले आ रहे हैं तो ये अच्छा स्कोर था। बट बात वही है कि आप ये जो रॉन्ग कर रहे हैं ना, ये रॉन्ग भी तो आपको कहीं ना कहीं दुख दे रहा है ना, देखो दे दिया दुख इसने, तो ये इस रॉन्ग के कारण आप यहाँ पे आए, अदरवाइज आप 200 पे जा रहे थे आराम से। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपका प्रैक्टिस मांगती हैं। मैंने आपको पहले भी बोला है कि किसी भी किताब से पढ़ाई कर लेना, ज्ञान को अर्जित कर लेना, किसी कोचिंग में जा करके पढ़ लेना, किसी टीचर के वीडियो लेक्चर से पढ़ाई करना, अपने किसी नोट्स से बार बार पढ़ना, पढ़ते पढ़ते या बार बार पढ़ाई से अपन सिलेक्शन की बात नहीं कर सकते हैं बच्चों, सिलेक्शन की बात हम लोग अपने प्रैक्टिस से कर सकते हैं। जब तक आप अपने व्यवहार में प्रैक्टिकल एनालिसिस को नहीं शामिल करोगे, आप किसी भी परीक्षा में, तो ये बहुत नॉर्मल सी परीक्षा है, आप बहुत एक बेसिक एग्जाम देने जा रहे हैं, जिंदगी परीक्षाओं से भरी होती है। अगर आप अपने करियर के पाथ पे चलेंगे तो बहुत सारी परीक्षाएं आपके लाइफ में टकराएंगी, उन परीक्षाओं में अगर आप स्टेबिलिटी नहीं लाते हो, अगर आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो अगर आपके साथ नहीं है, अगर आप कंफ्यूज रहते हैं, कंफ्यूजन की स्थिति में हमेशा 2 ऑप्शन 3 ऑप्शंस ऑलवेज करेक्ट लेके चलने की कोशिश अगर आप करते हैं तो आप जिंदगी में फेल होते रहेंगे, कैसे पास हो पाएंगे आप लोग। तो आप उनमें स्टेबिलिटी लाइए, आप 2 में से 1 को चूज, यहाँ तो 4 की बात कर रहे हैं हम लोग, लेकिन आपकी स्टेबिलिटी ऐसी होनी चाहिए जो 2 में से 1 आपको हमेशा हमेशा हमेशा, ये 4 भी है, 4 में से 1 ही आपको करेक्ट लगना चाहिए, 2 या 3 में नहीं फंसना है अपने को। 2 या 3 ऑप्शंस जहां पे आपको सही लग रहे हैं आप उस क्वेश्चन को छोड़िए, आप उसको मत पकड़िए, आप उसमें जबरदस्ती उलझने की कोशिश मत कीजिए। और मुझे पता है कि आप ये क्यों उलझे हैं, ये जो आप लोगों ने क्रियाकर्म किया है, ये जो कर्म आप लोगों ने करे हैं, ये मैं आपको बताती हूँ आप लोगों ने क्यों करे हैं, क्योंकि आप लोग खुश खुश होके तैयारी तो खूब अच्छे से करके आए, अब जितना तुम्हारे को क्वेश्चन आया, यानी कि ये जो क्वेश्चन तुम लोगों ने अटेम्प्ट किया ना बच्चों, ये क्वेश्चन हकीकत में ये इतनी ही तैयारी थी तुम्हारी, केवल इतनी ही तैयारी करके आए थे, इतना ही क्वेश्चन तुम्हारे को उसमें से आता था, ये तुमने तुरंत कर लिए थे। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि ये क्वेश्चन तो तुम्हारे 1 से 1.5 घंटे में हो गए और हमने तुम्हारे को बिठा दिया 3 घंटा, 3 घंटे से पहले कमरे से जाने ही नहीं दिया। तो प्रॉब्लम क्या हुई कि जब आगे के 1 से 1.5 घंटे आप क्लासरूम में बैठे रहे तो बैठे बैठे आपने जो है ये वाला जो ऑप्शन है, यानी कि ये वाला कार्यक्रम चालू कर दिया, यानी बैठे बैठे क्वेश्चंस को रिव्यू करने लगे और तुक्के मारना चालू कर दिए। लेकिन ये आपका दुर्भाग्य है कि ये तुक्के आपके किसी काम के नहीं रहे, ये सभी गलत 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 हो गए और नतीजा ये हुआ कि ये मार्क्स जो है आपके क्या हुए, इतने लेस हुए। अगर ये नहीं रहा होता तो हमारी कहानी यहाँ से शुरू होती, हम रिजल्ट ये बोल रहे होते, और जो मैं लास्ट की बात कर रही हूँ, 21 नंबर की बात कर रही हूँ, मीनाक्षी आपके पास 60 नंबर होते बेटा, आप देख लीजिए
आप 21 पे नहीं होते, आप 60 पे होते अगर आपने ये नहीं किया होता। तो आप लोग प्रयास जो है वो अपना कंटिन्यू रखिए, प्रैक्टिस हमेशा जो है अपनी जारी रखिए, पढ़ाई करो, लेकिन केवल पढ़ाई आपका कभी भी चयन नहीं कराएगा जब तक आप उस फॉर्मेट पे प्रैक्टिस नहीं करेंगे। तो ऑफलाइन एग्जाम आपको देना है, ये ऑनलाइन का कीड़ा अपने दिमाग से निकालो। मजबूरी जो ऑनलाइन कोर्स है, ऑनलाइन टेस्ट है, ऑनलाइन मटेरियल है, ये हर किसी के लिए नहीं बनाया जाता है। बच्चों आप इस बात को समझिए, जो लोग फेस टू फेस आकर के पढ़ सकते हैं, जो लोग फिजिकली प्रेजेंट होकर के सेंटर पे एग्जाम दे सकते हैं, क्यों आप प्रेफरेंस में ऑनलाइन लेते हो? अब ये कोई बहाना नहीं होता है कि मैडम धूप लगती है इसलिए मैं नहीं आती नहीं आता, मैडम 5 रुपए ऑटो का किराया लगता है इसलिए मैं नहीं आता। लेकिन आप 5 रुपए ऑटो के किराए को बचाने के लिए ये पूरे एग्जाम की तैयारी आप 2 साल से कर रहे हो। 2 साल में अगर आप जयपुर में रह रहे होंगे, यदि आप जयपुर में रह करके इस एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे, तो मैं आपको एक मिनिमम से मिनिमम कैलकुलेशन बताऊं तो आपका रहना खाना 10,000 से नीचे है ही नहीं बेटा जयपुर में मंथली। और अगर 10,000 रुपए तुम मंथली खर्चा कर रहे हो यहाँ जयपुर में रहने पे, तो तुम सोच लो तुमने 2 साल में 2018 से लेकर के अब तक तुमने कितना खर्च कर लिया। 10,000 के हिसाब से आप खुद कैलकुलेशन लगा लीजिए, 2,40,000 रुपए तो आपने रहने खाने में खर्च कर लिया यहाँ पे। उसके बाद आपने कोचिंग किया होगा, कोई स्टडी मटेरियल लिया होगा, दुनिया भर की किताबें लाइब्रेरी की मार्केट में अवेलेबल हैं, तुमने वो भी सब खरीदा होगा, अपने घर को तो पूरी लाइब्रेरी बना रखी है मुझे पता है, ठीक है। उसके बाद जेरोक्स इकट्ठा किए तुमने, फिर तुम वहां की टेस्ट सीरीज भी ले रहे हो इतने रुपए में, फिर उनकी टेस्ट सीरीज भी ले रहे हो उतने रुपए में, फिर उनके वीडियो लेक्चर भी खरीद रहे हो उतने रुपए में, उनके वीडियो लेक्चर भी खरीद रहे हो उतने रुपए में, उस कोचिंग के नोट्स भी उठा रहे हो उतने रुपए में, उस कोचिंग में पढ़ने जा रहे हो उतने रुपए में। तो तुमने और सोच लो कितने रुपए खर्च कर लिए, 2 साल में 3 लाख रुपए तो तुमने ऐसे खर्च कर लिए, और ये तुम्हारे तैयारी के लिए, तुम्हारे बेनिफिट के लिए, तो तुम 5 रुपए ऑटो के लिए सोच रहे हो। और फिर आप हमें मतलब बता भी देते हैं कि मैडम हम गरीब हैं हम अमीर हैं, 5 रुपए ऑटो के खर्चे के लिए आप गरीब अमीर सारी कहानियां सुना देते हैं, और आप ये नहीं सोचते हैं कि संस्थान आपके लिए फ्री टेस्ट सीरीज अवेलेबल करा रहा है। टेस्ट हमने बनाया, बनाने वाले ने भी समय दिया ना बेटा, फिर उसने बनाया तो टाइपिंग में भी समय लगा, उसके बाद हमने क्रॉस चेक भी किया, फिर हमने ये प्रिंट आउट निकलवा करके आपको दिए, तो क्या इसमें कॉस्टिंग नहीं आई हमारी? लेकिन हमने तो आपसे पैसे चार्ज नहीं किए ना, हम तो आपकी प्रैक्टिस कराना चाह रहे हैं, हम आपको कुछ बनाना चाह रहे हैं, और आप अपने घर से ही नहीं निकलना चाह रहे हैं, बैठे बैठे आप अपना एग्जाम देना चाह रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि बेटा आपको अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड का पेपर देने के लिए भी सेंटर पे जाना पड़ेगा, आप उस दिन कैसे बचेंगे? उस दिन तेज धूप हुई तो आप कैसे क्या कर लेंगे? उस दिन आप 5 रुपए ऑटो के कैसे मैनेज करेंगे? तो आप इन सब चीजों से थोड़ा सा बाहर निकलिए। यू ऑल आर सिंसियर पर्सन, आप एटलीस्ट 12th पास हैं, ग्रेजुएशन की बात नहीं करो तो आप 12th पास हैं, और आपकी एज 18 के ऊपर है, तो आप ये बचकाना हरकतें जहन से अपने निकालें, आप अपने पढ़ाई पे ध्यान दें, एक सिंसियर पर्सन की तरह जो है वो सोचें, और ये जो आपका ये स्कोर आ रहा है, ये रिजल्ट आ रहा है, आप लोग इसको बिल्कुल चेंज करने की कोशिश कीजिए। 53 में से देख लो केवल 5 जो है ये मेरे साइड से जो है वो थर्ड ग्रेड में बैठने के लायक हैं, बाकी सभी अभी ऐसे लग रहा है ट्रायल पे चल रहे हैं। आप लोगों को मेहनत करने की जरूरत है, मैं पहले भी जरिया थी आप लोगों की तैयारी कराने का, और आज भी मैं जरिया ही हूँ, कोचिंग करोगे तो भी मैं जरिया हूँ, क्योंकि टीचर पढ़ाने वाला कोई और है, मैं आपको सुख सुविधाएं और एक स्पेस प्रोवाइड करा रही हूँ, टेस्ट करने आओगे ऑफलाइन तो भी जरिया हूँ, क्योंकि पेपर सब्जेक्ट्स कंसर्न कोई और है, मैं आप लोगों को ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रही हूँ, ऑनलाइन टेस्ट करते हो तो भी मैं जरिया हूँ। जरिया हो करके अगर मैं आप लोगों के लिए इतना कंसर्न हो सकती हूँ, तो आप लोग क्यों नहीं इतने अटैच होते हैं, क्यों नहीं पॉजिटिव वे में इसको पार्टिसिपेशन में लेते हैं, क्यों नहीं आप सिंसियरिटी के साथ ये पेपर देते हैं? मैं इस बात से जो है अग्री भी करती हूँ, कई स्टूडेंट बहुत मेहनत करते हैं लेकिन उनके मेहनत का प्रतिफल वो नहीं आता है जो आना चाहिए। तो नहीं आने के बहुत सारे रीजन होते हैं, रीजन ये होते हैं कि वो अपने जो पढ़ाई जो कर रहे हैं उनको वो समझते नहीं हैं, या वो समझ करके कॉन्सेप्ट क्लियर करके नहीं पढ़ते हैं, इस वजह से ये प्रॉब्लम आती है।
चलिए कोई बात नहीं, ये आपके टेस्ट की जो है वो एनालिसिस है, तो आप लोग इसको जहां से भी आपको चाहिए स्क्रीनशॉट करके आप रख सकते हैं। वैसे तो पूरा एक एक का जो है वो मैंने नाम नंबर और पूरे डिटेल जो है वो एनालिसिस कर दी है, फिर भी चलो एक क्विक जो है हम लोग नंबर फाइनल नंबर के साथ जो है वो एक अनाउंसमेंट कर लेते हैं, फिर इस वीडियो को जो है वो वाइंड अप करते हैं। मीनाक्षी 21 मार्क्स पे, पुरुषोत्तम मीणा को मिले हैं 22 नंबर, पदम गुजर को, सॉरी परमा प्रधान गुजर को मिले हैं 29 नंबर, महेंद्र कुमार को 31 नंबर, विजय कुमार को 35 नंबर, राजेंद्र मीणा के पास है 37 नंबर, मुकेश कुमावत को मिले हैं 39 नंबर, अंकुर शर्मा को मिले हैं 39 नंबर। वेरी बैड अंकुर, आपको रियली 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 रिवीजन की बहुत जरूरत है। ठीक है, सत्तू सोलंकी को मिले हैं 44 नंबर, दीपिका पिलानिया को मिले हैं 45 नंबर, मनीष कुमार को मिले हैं 48 नंबर, आशाराम गुजर को मिले हैं 55 नंबर, अमित कुमार सिरोहिया को मिले हैं 69 नंबर, अंकिता कुमारी को मिले हैं 60 नंबर, दिनेश कुमार को मिले हैं 78 नंबर, फोरेंटी मीणा के पास हैं 82 नंबर, कमलेश यादव को मिले हैं 83 नंबर, गौरव यदुवंशी को मिले हैं 84 नंबर। गौरव आपको भी वर्क करने की जरूरत है बेटा, बिकॉज आपने पहले भी तैयारी करी है, आपकी परफॉर्मेंस पहले ये नहीं थी जो अभी आ रही है। ठीक है, तो आप वापस से बढ़िया से तैयारी में लगो। आरती चौधरी को मिले हैं 86 नंबर, महेंद्र सिंह को मिले हैं 87 नंबर, मनीष बड़बड़वाल को मिले हैं 88 नंबर, कृष्ण कुमार यादव को मिले हैं 91 नंबर, पूनम चौधरी हैं 92 नंबर पे, पवन सिंह 98 नंबर, मांगे राम 98 नंबर, रमेश राम रामकेश गुजर 98 नंबर, ईश्वर प्रताप सिंह 100 नंबर, मंजू धाकड़ 103 नंबर, अर्पित कुमार गोयल 104 नंबर, सुनील कुमार विश्नोई 105 नंबर, गौतम पटेल 108 नंबर, अर्चना चौधरी 108 नंबर, माया शर्मा 111 नंबर, कैलाश मेघवाल 117 नंबर, दीपक पाटीदार 119 नंबर, दीपेंद्र सिंह 119 नंबर, नकुल चौबीसा 119 नंबर, रविंद्र रत्नू 123 नंबर, ज्योति व्यास 123 नंबर, संदीप सैनी 125 नंबर, हरमन राम 131 नंबर, राजपाल कौर 132 नंबर, संदीप कुमार गर्ग 132 नंबर, मुकेश कुमार दारा 137 नंबर, राजेश गुजर 141 नंबर, सीता ओला 143 नंबर, मोहन चौधरी 148 नंबर, अनिल कुमार मीणा 149 नंबर, पुखराज सिंह राजपुरोहित 151 नंबर, प्रदीप कुमार जहांगीर 153 नंबर, राहुल पारीख 155 नंबर, विजेंद्र सिंह 164 नंबर और विश्राम सैनी 173 नंबर। बहुत बहुत बधाई आप लोगों को, मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस ये 5 स्टूडेंट्स के लिए, एंड विश यू ऑल द बेस्ट। बाकी जितने भी हैं रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, सभी लोगों को ऑल द बेस्ट, मेरी बहुत शुभकामनाएं आप लोगों को। आगे की तैयारी आप कंटिन्यू रखिए, कुछ ना कुछ आगे फिर इस तरीके के कार्यक्रम हम आयोजित करते रहेंगे, जिससे आपका जुड़ाव और आपका लगाव आपके इस विषय, आपके इस कोर्स और आपके इस एग्जाम के लिए बना रहे। सो टिल देन आप अपनी तैयारी करिए, आराम से खूब बढ़िया से पढ़ाई कीजिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय।